इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त का, दिल्ली में नीति आयोग की बैठक लगातार जारी है और पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हैं, सीएम मनोहर लाल भी बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंचे हुए हैं। लगभग 7 राज्यों के सीएम नहीं ले रहे इस बैठक में हिस्सा और दिल्ली पंजाब के सीएम इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वहीं बिहार बंगाल तेलंगाना तमिलनाडु के सीएम भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो बताना चाहेंगे कि राजस्थान के सीएम भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी इस बैठक में जरूर शामिल हुए हैं। तो पीएम मोदी इस नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल के साथ ही तमाम राज्यों के सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं और 7 राज्यों के सीएम ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। दिल्ली पंजाब के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं बिहार बंगाल तमिलनाडु तेलंगाना के सीएम इसमें शामिल नहीं है। वहीं राजस्थान के सीएम ने भी स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस बैठक से दूरी बनाई है। हालांकि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी जरूर इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए स्पर्श हमारे संवाददाता। स्पर्श, बैठक लगातार चल रही है और आपने भी सुबह से ही इस बैठक पर नजर बना के रखी हुई है, बैठक में अभी तक क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नीति आयोग की होती हुई नजर आएगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो है अपनी बात यहाँ पर नीति आयोग की बैठक में जो है रखते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि एक अलग से स्पेशल जो पैकेज है वो जो है दिया जाए, इसको लेकर मांग जो है रखी गई है। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के हिसाब से जो बातें हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क जो है प्रधानमंत्री का लगभग 5 बजे के आसपास जो है बैठक में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद 6 बजे के आसपास जो विस्तृत जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार क्या क्या जो अहम एजेंडे हैं उन पर मोहर लगती हुई जो है नजर आई है। बिल्कुल स्पर्श, तो ये तो आपने सुबह से ही बताया कि ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा भी हम सुबह से ही कर रहे हैं कि जिन राज्यों के सीएम शामिल नहीं हुए हैं, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि उन राज्यों को इस बहिष्कार से कितना नुकसान झेलने को पड़ सकता है आगामी समय में? देखिए, कई सारे राज्यों के जो सीएम है वो इसमें शामिल नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 8 राज्यों की हम बात करें तो उसके मुख्यमंत्री यहाँ पर इस बैठक का बॉयकॉट जो है करते हुए नजर आए हैं और सीधे तौर पर उन राज्यों का ये कहना है कि फेवरेटिज्म जो है केंद्र सरकार की जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा तरजीह जो है कहीं ना कहीं बैठक में दी जाती है, बोलने का मौका जो है उनको दिया जाता है और इसीलिए उनकी तरफ से जो निर्णय है वो ये लिया गया था कि वो इस बैठक में शिरकत नहीं करें, जिसमें अरविंद केजरीवाल की बात करें, भगवंत मान की बात करें, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत अन्य जो कई सीएम है वो इसमें शिरकत जो है फिलहाल करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन नीति आयोग की बैठक पर सियासत आखिर क्यों? पहले नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट और उसके बाद पीएम मोदी के विजन 2047 का बहिष्कार, ये विरोधी दलों को मतलब जैसे बॉयकॉट की बीमारी सी लग गई है। तो फिलहाल संपर्क टूट चुका है हमारा स्पर्श से, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तमाम जानकारी के लिए स्पर्श फिलहाल के लिए शुक्रिया। और जिस तरह से नीति आयोग की बैठक लगातार चल रही है और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं, तमाम जानकारियों को हमारे साथ साझा किया स्पर्श ने और ये बताया कि 8 राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जिसमें दिल्ली पंजाब के सीएम भी शामिल हैं और साथ ही साथ बिहार बंगाल तमिलनाडु के सीएम भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं।